लो मुझको करें। बुआ जी को फोन लगाते हैं। हेलो हेलो बुआ जी। अरे रानी बहू, अपनी बुआ जी को आज कैसे याद कर लिया? बुआ जी कहाँ बताए, कैसे बताए हम आपको? अरे कैसे बताए, अपने मुंह से बताओ। अब फोन की हो तो बतियाने के लिए ना फोन की हो, तो चुटकुला सुनाने के लिए फोन की हो। बताओ क्या हुआ? वो बुआ जी, मम्मी जी, मम्मी जी मर गई का? चलो अच्छा हुआ, अब धरती का भी बोझ कम हुआ और हमारे भाई का भी बोझ कम हुआ। अरे नहीं नहीं बुआ जी, मम्मी जी को कौन उठा के ले गया? कोई चाह कर भी ना उनको उठा नहीं ले जा सकता, खुद ही कहीं चली गई होंगी। तुम चिंता नहीं करो। क्या है ना बहुरानी, हमको कुछ काम याद आ गया है। हम तुमको बाद में फोन करते हैं और फिर बतियाएंगे, ठीक है? चलो रखते। अच्छा ठीक है बुआ जी। हाँ हाँ हाँ, हम जानते हैं कि आपने हमें मोहलत दी थी, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए। इस वक्त हम स्थिति में नहीं है कि आपके पैसे लौटा सके। देखिए अगर थोड़ी मोहलत और देंगे तो हम सारे पैसे एक साथ लौटा देंगे। जी हाँ बिल्कुल हो जाएगा, शुक्रिया। अरे भैया भैया, ओ भैया, अरे रुको रुको, रिक्शे वाले रुको भाई रुको। बिंदु, अरे भैया, अरे अरे क्या हुआ बताएगी? अरे भैया बहुत बड़ा अन्याय हो गया भैया। ओ देख देख, पहले तो बिंदु तू घर चलकर रो ले हाँ, पर उससे पहले जरा ये बता कि किसने किया तेरे साथ अन्याय? अरे मेरे साथ नहीं भैया, आपके साथ। हमारे साथ? आप जब से भाभी के साथ आपकी शादी हुई है ना, आपकी जिंदगी नरक हो गई है। अरे उम्र के इस पड़ाव में वो आपको इतनी झंडाटेदार तमाचा मारेगी, हमने कभी नहीं सोचा था भैया। उम्र झंडाटेदार, क्या कह रही है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है बिंदु। भैया बस अब हमसे तो मत छुपाओ, पूरे मुगल सराय में ये खबर आग की तरह फैल गई है, अब छुपाए ना छुपेगी भैया। बिंदु क्या बात है? अरे बहन जी हमें हमारा पैसा दे दीजिए तो क्या हम निकले। हाँ अरे छुछुंदर चुप रहना, मेरी भाभी भाग गई है और तुझे पैसों की पड़ी हुई है। भैया जरा 50 रुपए देना, रिक्शे वाले को देना है। वो क्या है ना, मैं पर्स लाना भूल गई। ओ ये अच्छा, हाँ अब जरा विस्तार में बता कि तेरी भाभी कहाँ भागी? ये तो वही जाने कहाँ भाग गई, पर आप चिंता मत करो, आपका जख्म भर जाएगा, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। मैंने ना अपनी ननद से सारी बातें कर ली। किस बारे में? अरे वो हमारी ननद की जिठानी की बेटी की लड़की है ना, वो एक आंख से थोड़ा कम देखती है, पर ना बाबूजी ने उसके नाम पर 20 एकड़ जमीन की है। 10 एकड़ आप रख लेना, 10 एकड़ हम रख लेंगे। अरे चुप करो, तुम्हारी भाभी जिंदा है अभी। जिंदा तो है पर आपके साथ तो नहीं है ना, आप कहे घुसे पड़े जब वो आपकी चिंता नहीं कर रही है तो। देखो एकदम चुप कर जाओ, तुम्हारी भाभी के अलावा हम किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते, कुछ भी बोली जा रही हो। भैया तुमको सदमा लग गया है, भैया तुमको सदमा लग गया है। पर तुम चिंता मत करो, हमारी हमारी ननद के चाची की लड़की सब ठीक कर देगी। ठीक है ठीक है चुप रहो। पहले तो ये बताओ कि तुमसे किसने कहा कि श्रीमती जी भाग गई हैं? वो हाँ हम खबर कागज में पढ़े थे ना आज सुबह कि वो भाग गए हैं। खबर कागज अखबार? हाँ भैया सही पकड़े भैया। कमाल है, आज सुबह कौशल्या भाभी ने भी हमें फोन करके कहा कि उन्होंने अखबार में कुछ पढ़ा है, पर हमने तो उनसे कह दिया कि श्रीमती जी कहीं नहीं भागी हैं, इसलिए टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। फालतू में। अरे रिक्शा, ओ रिक्शा। पर हम कहाँ जा रहे भैया? बैठो बैठो जरा, तुम्हें भगा के नहीं ले जा रहा, बैठो चलो। भैया लालगंज लेना। पर कहाँ जा रहे हैं भैया? चुपचाप बैठो, जब तक मैं ना बोलूं तुम्हें कुछ मत बोलना। अबे राजेंद्र हाँ? मुझे एक बात बता, ये मैडम एक्स की अम्मा का नंबर तेरे पास कैसे दे? अबे जो हम मैडम एक्स का मोबाइल लिए थे ना, तो उसमें तो उनकी अम्मा का नंबर निकाल लिए थे। अच्छा। एक लेकिन सच बताऊं मैं राजेंद्र, मैडम एक्स को उठा तो लाए हैं, देख डर के मेरे हाथ पाँव अभी भी कांप रहे हैं। देखो कहीं ऐसा ना हो कि हम पकड़े गए तो सीधा आंखें स्वर्ग में खुलेगी। हाँ स्वर्ग में नहीं नरक में,
कि जो पाप कर रहे वो कहाँ जाएगा? हाँ तो फिर वो 50,000 रुपया गया भाड़ में, भैया जान है तो जान है, हम खाई देते हैं। डर तो हमको भी लग रहा है, कभी कभी मन करता है ना मैडम इसको ले जा करके जंगल में छोड़ देते हैं। पुलिस वाला देख का पूछ रहा है, हम लोग कहते ना ढूंढ रहा है, का करे एकदम वाट लग जाएगी। लग गया कैसे? ए बंसी, अरे बोले आप भैया, अरे का अबे चुप। अबे ये अपन रामलीला वाला है बे। अरे हाँ ये तो रामलीला वाला है। अरे आपका तुमको बुलाने के लिए आना पड़ेगा, का आपका रथ भेजे तुम्हें लाने के लिए। जल्दी से मेकअप कर लो, रामलीला शुरू होने से पहले प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हाँ तुम जाओ भैया, हम आ रहे हैं, जाओ। आ रहे क्या होता है, पहले ही देर हो रही है, चलो। हाँ भैया वो हमारी लुगाई आने वाली है वो रामलीला में, तो हम उसी के इंतजार कर रहे हैं, तुम जाओ भैया, हम आके मेकअप करा रहे, जाओ ना। आ जाएंगे। तुम्हार लुगाई गई भाड़ में, तुम्हार लुगाई के चक्कर में हमारे सुर्पना का भाग गई। सुर्पना का भाग गई? कहाँ भाग गई? सुर्पना का गोवा का है। अब क्या बताए तुमको, कह रही थी वहां जाके शादी बनाऊंगी, वही पे हनीमून बनाऊंगी, मतलब नाक उसकी कटने वाली थी और काट हमारी रही है, बताओ। अब भैया तुम मुझे डरा काहे रहे हो, देखो पहले से इतना डरे हुए हैं, तुम जाओ अब गोवा हो या गौशाला, तुम्हारी सुपन काम तुमको ला के दे देंगे, जाओ। और सुपन का ला के दे देंगे भैया, दे देंगे। जल्दी से तुम लोग तैयार हो जाओ, मैं अपने सुर्पनखा का इंतजाम कर लेता हूँ, ठीक है ना, चलो। अबे वो देख हवलदार सामने देख, अपने तरफ आ रहा है, पर इधर क्यों आ रहा है? आओ गर्मी में इतना काय का पता, कुछ गड़बड़ है क्या? काम कर रहे हम रामलीला वाले हैं, वो डरने का प्रैक्टिस कर रहे हैं। अरे जैसे हनुमान को देख के रावण का एक एक राक्षस कांपता है ना, वैसे हम लोग कांपने का प्रैक्टिस कर रहे हैं। सीधा खड़े जा, अरे तो उधर जा रहे हैं मैडम, पर काम करे। जाइए साहब जाइए। अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, इस खतरनाक महिला का नहीं बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। हाँ खतरनाक के साथ साथ इतनी भारी महिला भी है, ऊपर से दुलत्ती अलग से मारती है, अब इसको यहाँ से लेके कैसे जाएंगे ये बताओ। हाँ वो पाँव में पहिया लगा देंगे ना, जो पाँव में पहिया लगाते हैं, और बेहोश है तो दुलत्ती कैसे मारेगी? अरे वाह गुरु, तुम तो कंप्यूटर वाला दिमाग पाए, पसीना नहीं आ रहा था तो आप पप्पी ले लेते हैं। ठीक है ठीक है, तुम्हें काम करो इसका अच्छे से ख्याल रखना, हम जाके बाजार से पहिए लेके आते हैं। ठीक से, अरे हाँ जाओ तो भागो भागो ये सर को। अरे उठा ले बिटिया उठा ले फोन। रघुआ बिटवा आ गया। अरे रघुआ आ रहे, हम आ रहे, बेटी तुम्हारी इकलौती बहन गुम हो गई, अपहरण हो गया उसका, और देखो हमारे तो हाथ पैर फूल गए, तू भी देख। अम्मा 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 तुम कदर रुको जरा, पक्का है गए अपहरण हुआ है? ऐसा तो नहीं मजाक कर रही हो सरला? पत्थर पे चिट्ठी लिख के हमको यहाँ पे मारा तूने? ना 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 तुझे पढ़ के समझ। पपलू टपलू 50,000 की फिरौती मांगे है लोग। हाँ। रुको एक सेकंड अम्मा, महेश को लगाते हैं फोन। हाँ महेश है। पुलिस में है, अपना दोस्त कब काम आएगा इस समय? संभाल क्या बेटा? हाँ महेश, अरे भाई सुनो जरा, घर आ सकते हो का? अरे यार घर में बहुत अजीब सी परिस्थिति पैदा, मामा रुको बात करने दो। हाँ नहीं तुमसे नहीं कह रहे थे, वो परिस्थिति बड़ी अजीब पैदा हो गई, ये हमारी छोटी बहन जो है सरला उसका अपहरण कर लिया है किसी ने। हाँ कुछ का का, का, का नाम था, अरे खोल के रखो ना उसको जब बात कर रहे हैं। पपलू टपलू नाम का कोई है गैंग, 50,000 की फिरौती मांगे भाई। आ जाओ भाई जरा, हाँ बैठ के। हाँ ठीक है आ रहा है घर, वो ढूंढ निकालेगा सरला को, चिंता ना करो। तब तक का करो, अरे का को बैठो तब तक का, कब का बैठे, गायब हो गया अपहरण हो गया और हम बैठ जाए झूले पे? अरे अम्मा तुम्हारे चक्कर काटने से थोड़ी ना मिल जाएगी वो। अरे अम्मा जी हम बर्बाद हो गए, हम बर्बाद हो
मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है अम्मा जी। अरे जगह सही हो रही है अम्मा जी, हमारी तो जगह सही हो रही है। अरे चुप करो बिंदु। हाँ, गायब हमारी बिटिया हुई है और नातू रही है, तुम्हारी कहा जगह सही हो रही है। अम्मा जी बच्चों की जन्म गुट्टी नहीं पिलाई जाती है। अरे भाभी कोई कोने में पड़ी हुई कोई पोटली है का जो गायब हो जाएंगी? पूरे मुगल सराय में चर्चा हो रही है, हम काहे चुप रहे? अरे आपको तो कुछ बोलने से पहले लगता है हमारी जुबान कट जाए। आ, वो कैची हम देते हैं, बाद में काट देना, उसके पहले हमें बता क्या बातें हो रही है। अरे अम्मा सुनो जरा, काहे अपना बीपी ऊपर कर रही है, उससे शांत रहो ना। ना, 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 ना। सरला की बेइज्जती हो रही है बाजार में, तो हम जाने का बोल रहे हैं लोग। सब जानते हैं आपकी बेटी हमेशा से भगोड़ी है। अरे किसी के साथ भाग गई होगी। बिंदु हम चुप नहीं रहेंगे, हमारे ससुराल वाले सब कहते हैं कि तुम्हारी भौजाई भाग गई, इसी वजह से हमें कोई घर पे नहीं रखता, तब से हम भागे भागे फिर रहे हैं। अब कहाँ जाए हम, अब कहाँ जाए? रुक तू बिंदु, हम बताते हैं कहाँ जाए तू। हैं जा अम्मा जी, जा हुई नरक में जा रही है, जा लड़की जा बस हमें मार दिया, ठीक है उसे माफ कर दीजिए। देखिए उसे नहीं पता वो क्या कह रही है, पर हमें पूरा विश्वास है अपनी बीवी पर। अरे एक बात बताए दामाद बाबू, आपका विश्वास गया तेल लेने के लिए, पहले बताइए किए कहा है सरला के साथ कि वो ऐसे भाग गई? देखिए अम्मा जी, हम कहे ना कि भाभी भाग गई, अब तो आपका बेटा भी बोल रहा है। अरे कहे नहीं रहा, पूछ रहे का किए हो उसके साथ ऐसा कि भाग गई है वो? हम क्या तू इस पगलेट की बातों में आ रहा है? अरे वो भागी नहीं, उसका अपहरण हुआ है कह रहे हैं। ये चिट्ठी भी आई है, चिट्ठी दिखाओ सबको और खास करके ये बिंदु को। हैं? अरे 50,000 की फिरौती मांगी है हमारी सरला के लाने। अरे ये पपलू टपलू कौन है? अरे कोई 5 रुपया ना दे भाभी को खोज के लाने में, अरे खुद ही परेशान होकर छोड़ जाएंगे। अम्मा जी 50,000 रुपए भी दे जाएंगे। शांति सदन की सीमाएं समझा दे इसको, नहीं तो कह रहे आज हमारे हाथों एक खून पक्का। नहीं 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 चुप रहो ना, काहे बकेती कर रही हो, माहौल वैसे भी गड़बड़ाया हुआ है। आपकी हनुमान चालीसा पढ़ रही हूँ। अरे हनुमान चालीसा उसको पढ़ना चाहिए जो भुआ को उठा ले गया। अरे मैडम इतना जोर से काहे लात मार रही हो? देखो पूरा हड्डियां चरमरा गया। माना कि हमने आपको कॉर्पोरेट नहीं किया, पर आप थोड़ा कॉर्पोरेट कर दीजिए ना, जो होई गवा सो होई गवा। जा इंजेक्शन लगा वापस। अरे आप तो इंजेक्शन हेलो हाँ हेलो, हम कहे थे ना आपको हम आपका सुप्रखा ला के देंगे, हमने हमारा पिरामिड पूरा कर दिया, बस एक ही प्रॉब्लम है क्यों ना गूंगी बहरी है। हाँ तो और क्या करेंगे, जो मिल रहा है उसी से काम चला लेंगे, तुम ले आओ बस। हाँ ठीक है। अब भैया एक और है कि उतना मॉडर्न ख्याल की नहीं है ना, तो गैर मर्दन का अपना चेहरा नहीं दिखाएगी। हाँ तो चेहरा दिखाने की जरूरत भी नहीं है, यहाँ मुखौटा है वही पहना देंगे। अब तुम लोग आओ जल्दी से, रामलीला शुरू होने वाली है। अरे तो वाह, हम फटाफट लेके अभी पहुंच जाते हैं। अरे सुनो देखा एक फोन से काम होएगा, मैडम अपन रामलीला में अपने सामने रहेगी। सही बात होगी। हाँ अशोक बाबू, अरे कांध पक्के बैठे हैं, बाहर आइए बाहर। अरे शांत रहिए ना, कहीं बिल्कुल बोलना नहीं बीच में। अरे चाचा जी आप? चाचा जी हम आपके नहीं है, रनिया के हैं। आप तो हमें ये बताइए, ये जो नाक कट गई ना हमारी, इस घटना की वजह से कि जिम्मेदारी कौन लेगा? अरे हमें पता नहीं था कि आपके घर में परिवार में ऐसे घटिया लोग हैं। अरे देखिए सबसे पहले तो आप शांत हो जाइए। तो क्या है कि ऐसे तेवर में बात करेंगे तो हमें कुछ समझ में नहीं आएगा, और वैसे भी ऐसे बात करेंगे तो कोई हल तो निकलेगा नहीं। तो का हल निकालना है? का हल निकालना है? और आप ही बताओ ये जो घटना हुई है उसके बाद कोई शांत रह सकता है क्या?
कैसी बात कर रहे हैं आप तो हमारे समधी हैं। ऐसे हालातों में आपको तो मेरे साथ खड़े होना चाहिए, उल्टे आप मुझ पर ही बरस रहे हैं। तो क्या करें? अरे मोहल्ले में जिन लोगों की आंखें नहीं उठती थी हमारी तरफ, वो घूर घूर के देख रहे हैं हमको, और जगह जाहिर हो रही है वो हालत। सुनो, नए गायक का नया गाना है, हमारी सरला जो है ना वो भागी नहीं, बिचारी का अपहरण हुआ है। और किस किस की जगह साई बोल हो रही है, किस किस की जगह साई हो रही है बोलो है? हम सबके दिमाग के दिमाग एक साथ निकाल देते हैं। अम्मा अम्मा शांत रहो, काहे लाल पीली हो रही हो तुम अपनी तबीयत खराब कर बैठोगे। तू खराफत का कोट पहने रखेगा। अम्मा चलो हम है ना यहाँ पे देखते हैं सब कुछ। एक चाचा भी ना कहीं भी जबरदस्ती की यूनियन बाजी करने लगते हैं। इस लड़की की कोई औकात नहीं और इसके सामने इतनी नाक रगड़नी पड़ रही है। नहीं कोई अब नहीं, नहीं नहीं अरे नहीं मिली खबर कोई अभी तक भाई। अरे गई नहीं है कहीं पे, अपहरण का केस लग रहा है अभी। कहा मतलब कोई खबर तो है नहीं, कुछ तस्वीर भिजवाए का? जी जी। हाँ तो नहीं वो भिजवा देते हैं, घर पे होगी कोई ना कोई, चिंता ना करें। हाँ अभी भिजवा देते हैं। अरे ठीक है अम्मा, कहा कोई सरला की कोई तस्वीर वगैरह कुछ है का? जा खुशिया। क्या कर रहे हो? स्विच ऑन ऑफ करने से कुछ नहीं होगा, स्विच टूट जाएगा। वैसे आपको अपना फोन चार्ज करना है ना? अरे हमारे घर में ना दादी घूमता फिरता चार्जर, उनपे फोन चिपका दो 100% चार्ज हो जाएगा। खा खा के मोटी होती जा रही हो, इसलिए जबान भी कैची की तरह कचकच चल रही है तुम्हारी। तुम्हारे फालतू जोक्स के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, समझी? कहां परिधि कहां मोटी, अब सारा खाना तो आपकी मम्मी भर भर के टिफिन में ले जाती है। छोटी रानी हमारा डंडा ढूंढो कहाँ है। एक सेकंड अम्मा 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 कहाँ डंडे का कहाँ करना तुम्हें? हमारी बिटिया गायब का हो गई, पूरे मुगल सराय ने तमाशा बना दिया है। एक एक का मुंह तोड़ देंगे हम, एक एक का मुंह तोड़ देंगे। शांत रहो, कह रहे तू शांत हो जा, इनको हम निपट लेंगे। तू शांत हो जा, जा वहां। अरे अम्मा हटो, डंडा ढूंढो। अम्मा रुको सर। हाँ तो तू बात कर, जा। हाँ मैं अम्मा शांत रहना, थाने से फोन है। डंडा ढूंढो। का ए बिंदु वो भिजवा रहे हैं अभी बस। हाँ वो तस्वीर भेजने के लिए कहे हैं, हम भेज रहे हैं। हाँ मिली का? हाँ एक सेकंड, ये आ गई हाथ में, ये बाई तरफ कोने में जो है वो सरला है, ठीक है? तुम मिले नहीं हो बहुत साल से, शायद भूल गए हो। अब तुम बोलोगी कुछ कि कहाँ चल रहा है मोहल्ले में? अरे बोल रहे हैं ना तो बोल रहे हैं। देखिए भाई साहब, अब बुरा मत मानिए, हमारे पास तो अब शब्द ही नहीं है कि कहाँ बताएं आपको। अरे ललन की अम्मा तुम बताओ ना भाई साहब को, उस समय तो बड़े नाच नाच के बोल रही थी। बोलो बोलिए। हम नहीं कह सकते जीजी। अरे कहाँ कह नहीं सकते हैं जीजी, भाई साहब को तो बताना ही पड़ेगा ना। अच्छा तुम बोलो, उस समय तो तुम बहुत बोल रही थी। अरे बोलो बात क्या है? ठीक है ये लोग तो नहीं बोलेगी, हम ही कह देते हैं। देखिए भाई साहब आज नवरात्रि है, हम झूठ नहीं बोलेंगे। ये ललन के पिताजी ने सरला को देखा था सफेद रंग की फ्रॉक में स्टेशन के पास, किसी अंग्रेज के साथ घूम रही थी कि हाथ में हाथ डाल के। क्या बकवास क्या कर रही हैं आप? किसी ने कुछ कह दिया और आपने मान लिया? देखिए वो हमारी श्रीमती है, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी। आप अपनी जबान को लगाम दीजिए, कह दे रहे हैं। आप हमको काहे बोल रहे हैं, अपनी लुगाई पर लगाम कीजिए। और हमने खुद ही देखा है सरला को किसी अंग्रेज के साथ निपटते चिपटते। अरे हम सच कह रहे हैं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।